बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टम की और एनल केनाल की एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए कि जो रेक्टम और एनल केनाल है, सबसे पहले आपको जो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, देखें रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स, इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक है सेट पकर्स, ठीक है ना। SADPUCKER, ठीक है ना। तो ये सेट पकर्स निमोनिक आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब एस से क्या आता है, एस से आता है सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। ए से आता है एओर्टा, एओर्टा एंड इन्फीरियर वेना केवा, और डी से आता है ड्यूडेनम, ठीक है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के देखिए टोटल हमने क्या कहा था, ड्यूडेनम के चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम के फोर पार्ट्स होते हैं, आउट ऑफ फोर पार्ट्स ड्यूडेनम के जो डी वन है दैट इज डी वन इज नॉट रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। डी वन इज नॉट रेट्रोपेरिटोनियल और बाकी जो डी थ्री और डी फोर हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पेंक्रियाज हैं, देखें पेंक्रियाज में ऑल पेंक्रियाज एक्सेप्ट टेल, पेंक्रियाज की टेल जो होती है ना वो इंट्रापेरिटोनियल होती है, ठीक है। इसी तरह यूरेटर्स हो गए, इसी तरह क्या कहते हैं यूरेटर्स के बाद कोलोन, ठीक है। कोलोन को मैं कैसे बनाता हूँ, देखें अगर आप कोलोन को जो है यार ये क्या बन रहा है, एक मिनट, ठीक है ना। तो कोलोन का मैं आपको बताऊं कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग कोलोन, ठीक है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन जो होते हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, ठीक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन याद रखें। उसके बाद किडनीज़ हैं, बोथ ऑफ द किडनीज़ आर रेट्रोपेरिटोनियल। ईसोफेगस का देखें सर्वाइकल पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट और थोरेसिक पार्ट होता है, तीन पार्ट्स होते हैं ईसोफेगस के। आउट ऑफ दीज थ्री ओनली थोरेसिक पार्ट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल याद रखें, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जो आर इज़ रेक्टम, अब देखें पूरी की पूरी रेक्टम रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होती, ठीक है ना। रेक्टम का भी जो इन्फीरियर सरफेस होता है ना, ठीक है ना, देखें रेक्टम को भी हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। रेक्टम जो है तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है, और इसमें भी देखें फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट पार्ट इसका और इसका सेकंड पार्ट, ये दोनों होते हैं इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है ना, इंट्रापेरिटोनियल। जो थर्ड पार्ट होता है इसका, जो लोएस्ट इन्फीरियर पार्ट, ये रेट्रो
पेरिटोनियल होता है, ये थर्ड पार्ट रेट्रोपेरिटोनियल। तो ईसोफेगस और रेक्टम के बारे में आप ये याद रखें कि इन दोनों के तीन तीन पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो इन तीन में से एक रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ईसोफेगस में थोरेसिक पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस रेट्रोपेरिटोनियल होता है, और जो रेक्टम है इसमें रेक्टम का जो है लोवेस्ट पार्ट जो होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। देखिए अब जो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनको रेट्रोपेरिटोनियल क्यों कहा जाता है? देखिए आप इसका नाम ब्रेकअप करें, रेट्रो पेरिटोनियम, ठीक है ना, पेरिटोनियम। तो रेट्रो किसको कहते हैं? पोस्टीरियर टू, ग्रीक लैंग्वेज में रेट्रो पोस्टीरियर टू को बोलते हैं। पेरिटोनियम हमारी पेरिटोनियम हो गई, ठीक है ना। तो जो भी ऑर्गन्स, ठीक है ना, जो भी ऑर्गन्स पेरिटोनियम के पीछे पड़े होते हैं ना बॉडी में, पेरिटोनियम के पोस्टीरियर टू पड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स। अगर इन रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स में कोई इंजरी हो जाए ना, इंजरी हो जाए तो ब्लड या फिर गैस, गैस जो है वो एक्यूमुलेट करती है कहाँ? रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में एक्यूमुलेट करती है। फॉर एग्जांपल ड्यूडिनल ड्यूडिनल परफोरेशन, देखें ड्यूडिनल परफोरेशन में अगर इंजरी इंजरी D2 में हो, D3 में हो, D4 में हो, तो आपको क्या मिलेगा? गैस कहाँ मिलेगी? रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस में। D1 जो होता है वो इंट्रा पेरिटोनियल होता है, याद रखें। अगर D1 में इंजरी है तो पेरिटोनियल फ्लूड आपको नज़र आएगा या पेरिटोनियम में गैस आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है। लेकिन हम बात कर रहे थे रेक्टम की, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं रेक्टम की, ठीक है। रेक्टम इस वक्त हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं रेक्टम। हमने रेक्टम ये सारा जो तमहीद है हमने इसलिए बांधा है कि रेक्टम का जो कुछ हिस्से जो हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, और कुछ हिस्से जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है ना। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स की। देखें कोई भी एब्डोमिनल सीटी होता है, ये डायग्राम सीटी के हिसाब से बनाई गई है। सीटी जो होता है ना उसको हम पेशेंट के नीचे बैठ के टो से ऊपर की तरफ देखते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं ना तो पेशेंट का जो हमारे राइट में ना पेशेंट का लेफ्ट आ जाता है। आप खुद की अपने साथ अपने रूममेट को या किसी को नीचे बैठ के देखेंगे तो आपको उसका राइट जो है वो आपका लेफ्ट आएगा और उसका लेफ्ट आपका राइट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं। देखें सबसे पहले आप देखें यहाँ पे इंटीरियरली, ये देखें पेंक्रियाज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बल्कि सेट पकर्स के निमोनिक से ही हम शुरू करते हैं। एस से आपको सुपरा रेनल ग्लैंड नज़र आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है ना। एस से आपको सुपरा रेनल ग्लैंड, ए से एओर्टा और इन्फीरियर वेना केवा, ये देखें एओर्टा आपको नज़र आ रही है और इन्फीरियर वेना केवा भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। डी से ड्यूडिनम है, तो मैं आपको ड्यूडिनम दिखाऊंगा, ये देखें ड्यूडिनम का कुछ हिस्सा और ड्यूडिनम का कुछ हिस्सा, ठीक है। ये आपको सीटी की में इमेज सीटी की बेस पे इमेज बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये ड्यूडिनम आपको नज़र आ रही है। फिर पी से क्या आता है? पेंक्रियास, लेकिन दिस इज पेंक्रियास। एक्सेप्ट टेल, ठीक है, एक्सेप्ट टेल आपको पेंक्रियास रेट्रोपेरिटोनियल मिलेगा, टेल इज इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि यू से हमारे पास क्या आता है? यूरिटर्स, ठीक है ना। यूरिटर्स भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, दिखाए नहीं गए हैं, ठीक है। और के से क्या है? किडनीज, देखें ये पेशेंट का राइट किडनी है, ये पेशेंट का लेफ्ट किडनी है, ठीक है। इसी तरह
ई से आपको ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस भी इस इमेज में, क्योंकि इस इमेज का लेवल इस तरह का वह है कि वो उसमें ईसोफेगस नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आर से फिर क्या नज़र आता है, रेक्टम, ठीक है ना, तो इस इमेज में रेक्टम भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सी हमने मिस किया, सी इज़ कोलोन, कोलोन क्या है, कोलोन इज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन, ये दोनों के दोनों आपको नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में, तो ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छी डायग्राम है, अच्छी फिगर है ये, और इसको आपने याद रखना है फॉर रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि जो सीटी होता है ना, सीटी, मैं आपको अभी सीटी की इमेज भी दिखा दूंगा, तो वो सीटी जो है वो हम पेशेंट के टो से बैठ के ऊपर की तरफ देखते हैं, स्पेशली सीटी एब्डोमिन, ठीक है ना, जबकि सीटी चेस्ट जो है वो हम पेशेंट के, सीटी चेस्ट जो है वो हम पेशेंट के कैसे देखते हैं, वो ये मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक है ना, तो ये देखें, ये वही पेशेंट का सीटी है जो डायग्राम हमने बताई थी, हमारा राइट है तो ये पेशेंट का लेफ्ट है, ठीक है ना, और ये हमारा, ये पेशेंट का क्या है, ये पेशेंट का राइट है और ये इस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पे आपको बहुत सारे रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये देखें, ये हमारा इन्फीरियर वेना कैवा है, ये एओर्टा है, ठीक है, ये राइट लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, ठीक है, और ये डिसेंडिंग कोलोन और असेंडिंग कोलोन, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो देखें कि जो रेक्टम होती है, रेक्टम देखें, ये होती है, ये टोटल इन लेंथ इसकी 12 to 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। कोलोनोस्कोपी जब कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करता है ना, तो कोलोनोस्कोपी में रेक्टम को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय बाय फोल्ड्स, इसमें रेक्टम में फोल्ड्स होते हैं, ठीक है ना, ये फोल्ड जो होते हैं, टोटल 3 फोल्ड होते हैं इस रेक्टम में, और इनको हम हॉस्टन वॉल्व्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखें, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं रेक्टम की, तो ये देखें, अगर आप ए से रेक्टम बनाएं, ठीक है ना, तो ए से, ठीक है ना, तो ये देखें, ये एक फोल्ड नज़र आ रहा है आपको, ये दूसरा फोल्ड नज़र आ रहा है, और क्या है, ये तीसरा फोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तीसरा फोल्ड जो है, ये तीसरा फोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, इसको बनाते हैं ऐसे, तीसरा फोल्ड इस तरह का ये होता है, अगर जल्दी से बनाए आप तो, ठीक है ना, ऐसा करके पहली साइड बनाए, फिर एक फोल्ड ऊपर और इसके एक फोल्ड ऊपर और इसके एक फोल्ड नीचे बनाएं, तो ये आपको रेक्टम नजर आएगा, ठीक है ना, ये रेक्टम आपका बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे और ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके, ये देखें, ये आपका रेक्टम बन गया। अब ये जो 3 फोल्ड्स हैं, ये जो फोल्ड नज़र आ रहा है आपको एक, ये दूसरा फोल्ड नज़र आ रहा है दो, और ये तीसरा फोल्ड, ये इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हॉस्टन वॉल्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ठीक है ना, अब देखें, ये जो वॉल्स हैं, ये इसको अपर अपर हॉस्टन वॉल्स बोलते हैं, इसको मिडिल हॉस्टन वॉल बोलते हैं, और इसको लोअर हॉस्टन वॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर देखें, अगर ये हम ले लें पेशेंट की अगर हम ले लें ये राइट साइड, पेशेंट की ये हम ले लें राइट साइड, और ये पेशेंट की हम ले लें लेफ्ट साइड, तो याद रखें, जो अपर और लोअर हॉस्टन वॉल्स जो होते हैं, ये पेशेंट की लेफ्ट साइड पे होते हैं, जो मिडल हॉस्टन वॉल्स होते हैं, ये पेशेंट की राइट साइड पे होते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। देखिए जो ये फोल्ड्स हैं इनको फॉर एग्जांपल कोई सर्जन इनको ऑपरेट करता है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को कैंसर है और वो इस पे ऑपरेट करता है, ठीक है ना, ऑपरेट करता है। और ऑपरेट करने के बाद अगर वो इनकी डायसेक्शन करता है, ठीक है ना, इनको मोबिलाइज करता है ना, इन फोल्ड्स को, तो इन फोल्ड्स की जो मोबिलाइजेशन है इससे हमारे पास 15 से 20 सेंटीमीटर का हमारे पास एडिशनल लेंथ आ जाता है, ठीक है ना, एडिशनल एडिशनल लेंथ आ जाता है इन होस्टन वॉल्स को। अगर कोई सर्जन कार्सिनोमा के लिए ऑपरेट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल कोई रिजेक्शन वगैरह कर रहा हो, तो इनकी मोबिलाइजेशन से, ठीक है ना, हमारे पास एडिशनल लेंथ ऑफ द रेक्टम आ जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें जब कोई सर्जन सर्जरी करता है तो याद रखें कि ये रेक्टम में कुछ चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टीनिया कोलाई आपको रेक्टम में नहीं मिलेंगे और अपेंडिसिस इपिप्लोइसी आपको रेक्टम में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अगेन याद रखें कि रेक्टम जो होती है दिस इज़ नॉट फुली इंट्रा पेरिटोनियल, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर अगर बनाए रेक्टम को, देखें यहाँ से हम रेक्टम बनाएं, ठीक है ना, तो इसका जो मिडल, इसका जो होस्टन वॉल्व है ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और इसका जो अपर होस्टन वॉल्व और लोअर होस्टन वॉल्व हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं। तो ये कौन सा हो गया, मिडल होस्टन वॉल्व हो गया, अपर होस्टन वॉल्व हो गया, लोअर होस्टन वॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो देखें रेक्टम में क्या कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट फुली इंट्रा पेरिटोनियल। तो हम डिवाइड करेंगे रेक्टम को, ठीक है ना, यहाँ से तीन पार्ट्स में, ठीक है ना, यहाँ से हम रेक्टम को डिवाइड करेंगे तीन पार्ट, ठीक है ना। तो हमने तीन पार्ट्स में रेक्टम को डिवाइड किया है। यहाँ पे देखें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको अपर पार्ट, इसको मिडल पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर पार्ट, ठीक है ना। जो अपर पार्ट होता है ना, अपर पार्ट जो होता है, अपर पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम, ये जो होता है ये फुली इंट्रा पेरिटोनियल होता है। याद रखें दिस इज फुली इंट्रा पेरिटोनियल, जो अपर पार्ट है ये सारे का सारा, दिस इज फुली इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो मिडल पार्ट और लोअर पार्ट हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखें जो मिडल पार्ट होता है ना, मिडल पार्ट का देखें रेक्टम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसका इंटीरियर पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, लेटरल पार्ट होगा, पोस्टीरियर पार्ट होगा। तो मिडल जो रेक्टम है ना, ये जो 4 सेंटीमीटर है, इसका सिर्फ एंटीरियर पोर्शन जो होता है ना वो इंट्रा पेरिटोनियल होता है, ठीक है ना, सिर्फ एंटीरियर पोर्शन इंट्रा पेरिटोनियल होता है। इस मिडल पार्ट ऑफ द रेक्टम का लेटरल हिस्सा, ठीक है ना, लेटरल हिस्सा और पोस्टीरियर हिस्सा, पोस्टीरियर इधर पीछे जो है ये हिस्सा रेट्रोपेरिटोनियल होता है, बाकी ये जो एरिया है वो इंट्रा पेरिटोनियल। देखें ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर पूरे का पूरा इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह मिडल पोर्शन का सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पोर्शन इंट्रा पेरिटोनियल, बाकी रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है ना। और जो लोअर थर्ड होता है, लोअर थर्ड वो सारे का सारा रेट्रो पेरिटोनियल होता है। लोअर थर्ड ऑफ द रेक्टम इज रेट्रो पेरिटोनियल। याद रखें जब भी आप ऑपरेशन करेंगे, कोई सर्जरी करेंगे, पेरिटोनियम फॉर एग्जांपल, ये पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के अंदर जाएंगे तो आपको या किसी सर्जन को रेक्टम का ऊपर वाला पोर्शन मिलेगा, यानी कि ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर का पोर्शन जो मिलेगा, अपर पोर्शन, ठीक है ना, ये होगा इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। रिमेनिंग जो रेक्टम है इसका थोड़ा सा एंटीरियर वाला हिस्सा और लोअर पार्ट का पूरे का पूरा पार्ट, जो जो लोअर लो पूरा का पूरा रेक्टम का पार्ट, ये रेट्रो पेरिटोनियल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है ना। तो देखिए, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद रखें, फॉर एग्जांपल हम किसी कार्सिनोमा के पेशेंट का एंटीरियर रिजेक्शन करना चाह रहे हैं, रेक्टल कार्सिनोमा के पेशेंट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तो हम वो रिजेक्शन इस पेरिटोनियल एरिया से नीचे नीचे कर रहे हैं, तो इसको हम लो एंटीरियर रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन के ऊपर कर रहे हैं हम रिजेक्शन, तो हम इसको सिर्फ एंटीरियर रिजेक्शन, इसको हाई एंटीरियर नहीं बोलते, लेकिन बस सिर्फ एंटीरियर रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब जो रेक्टम है, देखें ये जो रेक्टम है ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये एंड कहाँ होता है इसका, लोअर एंड, देखें ये इसका लोअर एंड ऐसे करके इस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे इसका लोअर एंड होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे इसका लोअर एंड होता है, और ये एक मसल होता है इस जगह में, इसको क्या कहते हैं हम, प्यूबो रेक्टेलिस मसल कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड प्यूबो प्यूबो रेक्टेलिस मसल, ठीक है। प्यूबो रेक्टेलिस मसल इसलिए कहते हैं, एक तो ये रेक्टम पे ऐसे अटैच होता है ना, ठीक है, एक तो ये रेक्टम पे सराउंड करता है असल में, ये रेक्टम को, ठीक है, ये मसल रेक्टम को सराउंड करता है। दूसरा, ये फिर जाके कहाँ अटैच होता है, ये अटैच होता है प्यूबिक सिंफिसिस में, ये प्यूबिक सिंफिसिस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्यूबो, प्यूबोस का मतलब प्यूबिक सिंफिसिस, ठीक है ना। तो इस जगह पे आके रेक्टम एंड होता है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि देखें यहाँ पे एक रिंग सा बना रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्यूबो प्यूबो रेक्टेलिस रिंग भी बोलते हैं इस एरिया को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तो जो डेफिकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है ये प्यूबो रेक्टेलिस रिंग, ठीक है ना। तो प्यूबो रेक्टेलिस रिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, फीकल कंटिनेंस में, ठीक है ना, कॉन्टिनेंस कॉन्टिनेंस में इसका रोल होता है प्यूबो रेक्टेलिस का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसी प्यूबो रेक्टेलिस रिंग के नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है एनल कैनाल, ठीक है ना। अब ये देखें, ये रेक्टम हो गया, ये प्यूबोरेक्टेलिस रिंग हो गई, और ये हमारे पास एनल कैनाल हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा बिलो द प्यूबिक प्यूबोरेक्टेलिस मसल देयर इज एनल कैनाल, ठीक है ना। अब जो एनल कैनाल है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेजिनरी लाइन होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं डेंटेट लाइन, ठीक है, डेंटेट लाइन, या फिर इसको कहते हैं पेक्टिनेट पेक्टिनेट लाइन, पेक्टिनेट लाइन बोलते हैं, डेंटेट लाइन या पेक्टिनेट लाइन। डेंटेट लाइन और पेक्टिनेट लाइन का जो कंसेप्ट है ना, वो इस तरह है कि यहाँ से ऊपर जो है इसका जो है एनल कैनाल का ओरिजिन, एम्ब्रियोलॉजिक ओरिजिन डिफरेंट है, यहाँ से नीचे जो है एनल कैनाल का एम्ब्रियोलॉजिक ओरिजिन डिफरेंट है, याद रखें। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से ऊपर इपिथीलियम भी डिफरेंट है, इस लाइन से नीचे इपिथीलियम डिफरेंट है, नर्व सप्लाई भी डिफरेंट है, और यहाँ लाइन से नीचे भी नर्व सप्लाई डिफरेंट है, ठीक है। तो डेंटेड लाइन बहुत ही एक बॉडी के इम्पोर्टेंट एनाटोमिकल लैंडमार्क्स में से एक लैंडमार्क है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए, इसके बारे में एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, देखिए मैंने कहा कि जो एनल कैनाल होती है, एनल कैनाल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बाय द डेंटेट या पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। डेंटेट या पेक्टिनेट लाइन से ऊपर जो होती है ना इपिथीलियम, वो होती है कॉलमनर इपिथीलियम, ये देखें ये कॉलमनर इपिथीलियम बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। इसी तरह जो डेंटेट लाइन से नीचे जो होती है वो स्क्वेमस इपिथीलियम, देखें अबव इट इज कॉलमनर इपिथीलियम, याद रखें, बिलो इट इज स्क्वेमस इपिथीलियम। अब बिलो स्क्वेमस में भी दो टाइप्स होती हैं यहाँ पे,
यहाँ पे एक और लाइन होती है, एक और इस तरह की लाइन होती है, इस लाइन को हम हिल्टन्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। हिल्टन्स लाइन कहाँ होती है? हिल्टन्स लाइन डेंटेड लाइन से नीचे होती है और ये लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल को फिर दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक वो हिस्सा जिसमें एपिथिलियम कीरेटिनाइज्ड होती है, यानी जिसमें हेयर होते हैं, ठीक है ना, एक वो, और दूसरा वो हिस्सा जिसमें एपिथिलियम नॉन कीरेटिनाइज्ड यानी बगैर हेयर वाली एपिथिलियम होती है, ठीक है ना। इसी तरह जो डेंटेड लाइन से ऊपर कॉलमनर इपिथीलियम है, कॉलमनर इपिथीलियम के साथ यहाँ पे क्रिप्स ऑफ मोरगेगनी होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? कॉलम्स ऑफ मोरगेगनी या फिर क्रिप्स ऑफ मोरगेगनी होते हैं। ये कॉलम्स ऑफ मोरगेगनी में आके फिर क्या होते हैं? एनल कैनाल्स यहाँ पे सिक्रीट करते हैं अपनी सिक्रीशन, सॉरी एनल ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं जो यहाँ आके ठहरते हैं। ये सिक्रीशंस लुब्रिकेशन ऑफ द स्टूल्स के लिए रोल प्ले करते हैं वाइल डेफिकेशन, ठीक है ना। ये सिक्रीशंस है, ये लुब्रिक ऊपर से जो स्टूल आएगा उसको लुब्रिकेट करके फिर बाहर फेंकते हैं, ठीक है ना। अब इन ग्लैंड्स को देखें, बॉडी में जहाँ भी ग्लैंड होगा वहाँ इन्फेक्शन होगा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन और ये जो इन्फेक्शन है, ये जो है ये कॉज करता है पेरिएनल एब्सेस कॉज करते हैं। अब जब भी बॉडी में कहीं एब्सेस होगा उसने ड्रेन तो होना होता है, जब वो ड्रेन होने की कोशिश करता है तो फिस्टूला इन एनो बन जाता है, ठीक है ना। तो फिस्टूला इन एनो बन जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब देखें जो कैंसर होता है वो अगर एराइज करे एनल कैनाल से, ठीक है ना, कैंसर अगर एराइज करे एनल के, देखें याद रखें, हमने रेक्टम के बारे में कहा था कि ये 12 to 15 सेंटीमीटर है ना। अब एनल कैनाल जो है ये 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और कैंसर्स जो एराइज करते हैं एनल कैनाल से दो किस्म के हो सकते हैं, देखें ये या तो इस एरिया से निकलेंगे जहाँ पे क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथिलियम है, इसको हम एडिनो कैंसर कहेंगे, ठीक है ना, एडिनो एडिनो कार्सिनोमा होगा ये। अगर ये डेंटेट लाइन से नीचे नीचे उतरते हैं, नीचे से निकलते हैं, तो इनको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहेंगे, ठीक है ना, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहेंगे, ठीक है। और ठीक है ना, अब देखें जो मसल्स की बात करें, अब ये एनल कैनाल है ना, तो यहाँ एक मसल होता है, ठीक है ना, यहाँ एक मसल होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको इंटरनल स्फिंक्टर बोलते हैं। इस मसल को इंटरनल इंटरनल स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। देखें ये क्या था? दिस वॉज प्यूबोरेक्टेलिस। अब ये क्या है? इंटरनल स्फिंक्टर मसल है। इंटरनल स्फिंक्टर मसल बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टिंग प्रेशर, ठीक है ना, रेस्टिंग प्रेशर ऑफ एनस के लिए ये इंटरनल स्फिंक्टर मसल रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब देखिए जो ये मैंने क्या कहा, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्टिंग प्रेशर ऑफ द एनस के लिए। इट कीप्स एनस क्लोज्ड, ऑलवेज याद रखें, दिस मसल कीप्स एनस क्लोज्ड, ठीक है ना। और ये एक प्रेशर अप्लाई करता है ऑलमोस्ट 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का, ठीक है ना। और ये होता है इनवॉलेंट्री मसल, इट इज नॉट वॉलेंट्रीली कंट्रोल्ड। नॉर्मली देखें आपको लगेगा कि ये जो मसल है एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। दिस मसल एक्चुअली साइलेंडर्स, ये पूरे का पूरा इस तरह है, एक्चुअली दिस मसल साइलेंडर्स पूरा इस तरह 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 ये साइलेंडर करके इसको पैक करता है एनल कैनाल को। दिस मसल इज एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर इज कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ रेक्टम, ठीक है ना। ऊपर से जो रेक्टम के सर्कुलर मसल्स थे हैं ना, वही कंटिन्यू होके नीचे आके कौन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इंटरनल स्फिंक्टर बनाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये मसल होता है, ठीक
ठीक है ना। एक्सटर्नल स्फिंक्टर याद रखें, ये एक पार्ट, मैंने ये थ्री पार्ट्स में, ये इस तरह थ्री पार्ट्स में बनता है, ठीक है ना। ये देखें, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। अगर इस तरफ भी मैं बनाऊं, ये देखें, ये देखें, और ये जो है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये क्या था? इंटरनल स्फिंक्टर। ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। ठीक है ना। देखें फिर, ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बारे में एक बात याद रखें कि ये जो है, ये आप इसको ना तीन पार्ट्स में देखेंगे हमेशा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये एक वॉलेंट्री मसल है, ठीक है। ये एक वॉलेंट्री मसल है, वॉलेंट्री मसल है, और इसको हम कंट्रोल करते हैं बाय आवर विल, ठीक है। इट डिसाइड्स द स्क्वीज प्रेशर ऑफ द ड्यूरिंग डेफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। या फिर ये क्या करता है, स्क्वीज प्रेशर का क्या मतलब होता है? इट प्रिवेंट्स मोशन ऑफ फीसीज कमिंग आउट, ठीक है ना, मोशन ऑफ फीसीज कमिंग आउट, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखें कि क्योंकि ये जो है वॉलंट्री है, तो इसको हम कंट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक बात याद रखें कि इट कैन नॉट बी कंट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको कंट्रैक्ट नहीं कर, इट इज़ सिर्फ 60 सेकंड्स, यानी एक मिनट तक हम इसको कंट्रैक्टेड रख सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट तक इसको कंट्रैक्टेड रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इसको कंट्रैक्ट नहीं कर पाते। फिर ब्रेक आ जाता है, फिर कंट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर ब्रेक आ जाता है, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी क्या होती है, इस पॉइंट पे फेट पेड होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे फेट पेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इशियोरेक्टल फेट पेड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे फेट पीएडी पेड, यहाँ पे फिर हमारी क्या होती है, यहाँ पे फिर हमारी बोन्स होती है, ठीक है ना। प्यूबिक बोन्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दीज आर बोन्स, इसको मैं दूसरा कलर लगाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। बोन्स को, ठीक है ना, ये जो है ये बोन है, ठीक है ना। और ये जो है ये दिस इज इशियोरेक्टल फेट पेड, ठीक है ना। तो ये बोन फिर कौन सी हो गई हमारी, इलियक बोन हो गई, ठीक है, इलियक बोन। ये वाली भी इलियक बोन हो गई, ये वाली भी इलियक बोन हो गई, ठीक है ना। अब देखिए, जो एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ डिजीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले हेमोरॉइड्स की बात करें। देखिए हेमोरॉइड्स जो हैं वो यहाँ पे जो नॉर्मल जो एनल कुशंस होते हैं ना, एनल कुशंस, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। एनल जो कुशंस होते हैं, वहाँ इट्स नॉट राइटिंग रेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल थ्री ओ क्लॉक पे, 7 o'clock पे और 11 o'clock पे, 3 degrees पे, ये हमारे नॉर्मल एनल कुशंस होते हैं। स्टूल्स की कांस्टेंट ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये एनल कुशंस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, दे गेट इनलार्ज्ड, ठीक है ना। और इनसे ब्लीडिंग होती है, और क्या होता है, और ये इनलार्ज होते हैं। इनके फिर डिफरेंट ग्रेड्स हैं। देखें जो डेंटेट लाइन है ना, डेंटेट लाइन, इससे ऊपर का जो सिस्टम है, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम से सप्लाई आती है, इधर ये सेंसिटिव टू पेन नहीं होते, इसीलिए जो ग्रेड वन और ग्रेड टू जो हेमोरॉइड्स होते हैं, वो दे आर पेनलेस, सिर्फ ब्लीडिंग होती है उनमें, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही ये फिर बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये इनमें पेन भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना, सही है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो फिशर होता है, यहाँ पे होते हैं हमारे क्या, क्रिप्स ऑफ लिवर कौन,
ठीक है, सॉरी क्रिप्स ऑफ मोरगैगनी। ठीक है, यहाँ पे हमारी मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे वो होती है क्यूब कॉलमनर इपिथीलियम। इस कॉलमनर इपिथीलियम में क्रिप्स ऑफ मोरगैगनी होते हैं, मोरगैगनी। अब जब ये क्रिप्स ऑफ मोरगैगनी में एब्सेस इन्फेक्शन इनके ग्लैंड्स में होगा, एब्सेस बनती है, वो एब्सेस ड्रेन होके बाहर आने के लिए ट्राई करती है। ठीक है ना, जब वो एब्सेस ड्रेन होके बाहर आती है तो उसको हम फिस्टूला कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फिस्टूला। ठीक है ना, अब ये जो फिस्टूला है, अगर तो ये बन रहा है, अगर तो ये फिस्टूला बन रहा है कहाँ, अगर ये फिस्टूला ऐसे अंदर अंदर ऐसे बन रहा है बिटवीन टू स्फिंक्टर्स, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में ऐसे फिस्टूला बना है तो हम इसको क्या कहते हैं, इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टूला बोलते हैं। ठीक है, इंटर स्फिंक्टेरिक फिस्टूला। अगर ये फिस्टूला ऐसे बना है, इसने इस इंटरनल स्फिंक्टर को भी क्रॉस किया है, इंटरनल स्फिंक्टर को भी क्रॉस किया और ट्रेवर्स किया और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी ट्रेवर्स किया, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस स्फिंक्टेरिक फिस्टूला बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर ये ऐसे ऊपर से आ जाए, दोनों के ऊपर से, तो हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टूला। देखिए यहाँ पे एक मसल होता है, ठीक है ना, एक मसल होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो मसल है इस पॉइंट पे जो रेक्टम को एलिवेट करता है, ठीक है ना, ये मसल जो रेक्टम को एलिवेट करता है, ठीक है ना, फिर जो इसको कहते हैं, इस मसल को क्या कहते हैं, लिवेटर एनाई। अब जो फिस्टूला ऐसे इसके ऊपर से आता है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लिवेटर फिस्टूला। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लिवेटर फिस्टूला। तो ये था, दो चीज़ें मैंने बताई, हेमराइड्स बताई और क्या बताया, फिस्टूला बताया। अब जो फिशर है, फिशर एक तीसरी चीज़ है, फिशर देखिए, एनल किनाल में इस तरह की कट को लोअर डेंटेड लाइन से बिलो होती है, ये डेंटेड लाइन है, ठीक है ना, इससे बिलो एक कट होता है, इसको एनल फिशर कहते हैं। और ये बहुत पेनफुल होती है, क्यों, क्योंकि डेंटेड लाइन से नीचे जो नर्व सप्लाई होती है ना, वो इन्फीरियर रेक्टल नर्व सप्लाई करती है और जो के सोमेटिक नर्व है, ठीक है ना, ये पेन सेंसेशंस को कैरी कर सकती है, ठीक है ना, पेन सेंसेशंस को, ठीक है, इसीलिए इस फिशर में अनलाइक ग्रेड वन एंड ग्रेड टू हेमराइड्स जो कि डेंटेड लाइन से ऊपर होते हैं तो पेनलेस होते हैं, इस फिशर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें, हेमोराइड्स, फिशर और जो है फिस्टूला, ये आपने याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखें कि जो फेशिया अराउंड द रेक्टम की बात करेंगे, देखें अगर ये सेक्रम है, ठीक है ना, ये सेक्रम है पूरा, ये कॉक्सिक्स, ठीक है, और ये ब्लैडर है, तो बीच में ये क्या आपको नज़र आएगा, ये रेक्टम नज़र आएगा, ठीक है ना, ये रेक्टम नज़र आएगा, और रेक्टम के नीचे हमने आपको कहा था क्या होता है, एनल केनाल, ठीक है ना। अब देखें कि नॉर्मली जो एक फेशिया होता है रेक्टम के, ये फेशिया को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये जो फेशिया है ना, ये जो फेशिया ड्यूरिंग डाइसेक्शन ऑफ द रेक्टम फॉर सर्जरी हम देखते हैं, तो ये फेशिया जो है, ये फेशिया इनसर्कल्स द रेक्टम, इस फेशिया को हम क्या बोलते हैं, इस फेशिया को फेशिया प्रोप्रिया बोलते हैं, ठीक है ना, फेशिया प्रोप्रिया, इट इनसर्कल्स द रेक्टम एंड इवन मीजो रेक्टम ऑल्सो। ये फेशिया प्रोप्रिया जो होता है, ये डेरिवेटिव होता है किसका, एंडोपेल्विक फेशिया का ये डेरिवेटिव होता है। इसके अलावा एक दूसरी बात देखें कि यहाँ पे जो है एक और फेशिया होता है जिसको प्री सेक्रल फेशिया बोलते हैं, ठीक है ना, सेक्रम से आगे एक फेशिया होता है, इसको प्री सेक्रल फेशिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
प्रीसेक्रल फेशिया। इस प्रीसेक्रल फेशिया के पीछे क्या होती है, इस प्रीसेक्रल फेशिया के पीछे जो होती हैं वेन्स होती हैं। कौन सी वेन्स होती हैं? प्रीसेक्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स होती हैं इसके पीछे, ठीक है। यहाँ पे प्रीसेक्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स। सो इफ़ यू ओपन ड्यूरिंग सर्जरी दिस प्रीसेक्रल फेशिया, देयर विल बी ब्लीड, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ब्लीड, ठीक है ना। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब देखिए जो S4 के लेवल पे, यहाँ S4 के लेवल पे जो प्रीसेक्रल फेशिया होता है और जो फेशिया प्रोप्रिया होता है वो मिल जाता है, ठीक है ना, मिल जाता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इस फेशिया को फिर हम क्या कहते हैं, वाल्डेयर्स फेशिया बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे वाल्डेयर रिंग नहीं होती थ्रोट में, तो इसको वाल्डेयर्स फेशिया कहते हैं, ठीक है ना, वाल्डेयर्स फेशिया। अच्छा ठीक है ना। ये जो वाल्डेयर्स फेशिया होता है ये इट्स ऑल्सो नोन एज रेक्टो रेक्टो सेक्रल फेशिया, रेक्टो सेक्रल फेशिया भी इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेशिया होता है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो एंटीरियरली जो फेशिया होता है ना वो यहाँ पे होता है, जो कवर करता है ब्लेडर को और नीचे जो है प्रोस्टेट को, ठीक है, ब्लेडर और प्रोस्टेट को ये कवर करता है। इसको, इस फेशिया को हम क्या कहते हैं, इस फेशिया को डिनोनविलियर्स फेशिया बोलते हैं, इसको डिनोनविलियर्स फेशिया बोलते हैं, ठीक है। डिनोनविलियर्स फेशिया कवर करता है प्रोस्टेट को और प्रोस्टेट के एरिया को, और नीचे कवर करता है ब्लेडर के एरिया को, ठीक है ना। ऑल दोस थिंग्स लाइक सेमिनल वेसिकल्स दिस एंड दैट, वो इसी उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डिनोनविलियर्स फेशिया के बारे में भी MCQs आते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखें कि अब ये फेशिया तो हो गए फेशिया, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको सी एरेक्टम है, ठीक है ना, सी एरेक्टम का पेशेंट है, तो उसके पास, हमारे पास दो प्लान्स होते हैं उसके, ठीक है ना, पोस्टीरियर प्लान एंटीरियर प्लान, ठीक है ना। पोस्टीरियर प्लान में हम कहाँ से जाते हैं ये देखें, पोस्टीरियर प्लान की बात करें तो हम जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना, पोस्टीरियर, इसको थोड़ा समय डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर प्लान में हम कहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, पोस्टीरियर प्लान में यहाँ से जाते हैं, हम यहाँ से डायसेक्ट करते हैं, ब्लंट डायसेक्शन इवन विद द हैंड और अ गॉज, यहाँ से हम डायसेक्ट करते हैं, डायसेक्ट करते हैं, डायसेक्ट करते हैं, डायसेक्ट करते हैं, यहाँ से फिर डायसेक्ट करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। अब ये जो, ये देखें यहाँ क्या है, ये फेशिया प्रोप्रिया है, ये रेड में मैंने जो बताया था, और ये क्या है, प्री सेक्रल फेशिया है, ठीक है। ये ब्लू क्या, ग्रीन क्या है, प्री सेक्रल फेशिया, और रेड जो है वो फेशिया प्रोप्रिया, इन दोनों को बीच में से हम जाना हो। देखें ये लेटरल साइड से हम देख रहे हैं, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, देखें ब्लैडर आ गया है ना, और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। तो कार्सिनोमा रेक्टम में पोस्टीरियर प्लान जो है इसके लिए हम पीछे से जाते हैं, फेशिया प्रोप्रिया और प्रीसेक्रल फेशिया के बीच में ब्लंट डायसेक्शन करते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, गॉज से भी कर सकते हैं, वी गो अप टू दिस फेशिया। इसको क्या कहा था मैंने, इसको मैंने कहा था वाल्डेयर्स फेशिया, ठीक है, या फिर रेक्टोसेक्रल फेशिया, रेक्टोसेक्रल फेशिया, ठीक है ना। जब हम यहां पहुंचते हैं ना रेक्टोसेक्रल फेशिया में, तो हम सीजर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम ब्लंट डायसेक्शन नहीं करते, क्योंकि ये फेशिया को अगर हम ब्लंट डायसेक्ट करेंगे तो ये प्रीसेक्रल फेशिया को उठा लेगा, और मैंने क्या कहा था, पीछे वेनस प्लेक्सस से हेवी ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इसीलिए हम इस पॉइंट पे आगे सीजर लेते हैं, सीजर से इसको कट करते हैं। जब हम इसको कट करते हैं ना, तो
तो यहाँ से आगे फिर हम डीप रेक्टोसेक्रल स्पेस में पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, यही दिस लीड्स टू कॉक्सिक्स, ठीक है ना। ये फिर हमें कॉक्सिक्स तक लीड करता है। यहाँ से नीचे कोई ब्लीडिंग नहीं होती, आप बेफिक्र हो कि आप काम कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। और फिर आप यू कैन ईजली प्रोसीड फॉर APR या फिर एंटीरियर रिजेक्शन या फिर अल्ट्रा लो एंटीरियर रिजेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है, पोस्टीरियर अप्रोच है, ठीक है। ये क्या है, पोस्टीरियर अप्रोच है। एंटीरियर अप्रोच के लिए हम फिर आगे से जाते हैं, डिनोनविलर फेशिया भी सैंपल में हम उठाते हैं, ठीक है ना। डिनोनविलर फेशिया, ठीक है ना, डिनोनविलर फेशिया उठा के यहाँ से हम अप्रोच करते हैं एंटीरियरली, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया पोस्टीरियर अप्रोच। पोस्टीरियर अप्रोच एक बार फिर देख लें, यहाँ से जो है प्रोफेशिया प्रोप्रिया है रेक्टम के साथ, और ये सेक्रम के साथ प्री सेक्रल फेशिया है। प्री सेक्रल फेशिया के पीछे मैंने कहा था कि वेनस प्लेक्सस से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है इसको उठाने से। तो हम आप यहाँ से ब्लंट डाइसेक्शन करेंगे, ब्लंट डाइसेक्शन करके वाल्डेयर्स फेशिया तक पहुँचेंगे। वाल्डेयर्स फेशिया पे हम सीजर लेंगे, सीजर से हम काट लेंगे, काट के हम रेक्टो सेक्रल स्पेस में, रेक्टो सेक्रल स्पेस हमें लीड करेगी कॉक्सिक्स तक। और आपको पता है यहाँ से नीचे, वाल्डेयर्स से नीचे ब्लीडिंग नहीं होगी, और जब ब्लीडिंग नहीं होगी तो क्या होगा हम इजली एंटीरियर रिजेक्शन या फिर अल्ट्रा लो एंटीरियर रिजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, एपीआर या फिर अल्ट्रा लो एंटीरियर रिजेक्शन कर सकते हैं पोस्टीरियर अप्रोच से, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, एंटीरियर अप्रोच में वी शुड इंक्लूड डेनोनविलर्स फेशिया, वी शुड इंक्लूड डिनोनविलर्स फेशिया, करीब से दिखाता हूँ, वी शुड इंक्लूड डिनोनविलर्स फेशिया इन द स्पेसिमेन सैंपल, ठीक है ना, स्पेसिमेन लेबोरेटरी भेजने के लिए वी शुड इंक्लूड डिनोनविलर्स फेशिया, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ड्यूरिंग डाइसेक्शन वी शुड सी द सेमाइनल वेसिकल्स, एंटीरियर अप्रोच में वी शुड सी द सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है ना, सेमाइनल वेसिकल्स, सही है, ठीक है ना। अब जो एंटीरियर अप्रोच है वो क्या होती है, वो एंटीरियर प्लान जो होता है वो ना डिनोनविलर्स फेशिया, ये वाला फेशिया, और ये जो फेशिया है इसको मैंने कहा था फेशिया प्रोप्रिया, इन दोनों के बीच में हमने एंटीरियर अप्रोच रखनी होती है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में हमने एंटीरियर अप्रोच रखनी होती है। और याद रखें, डिनोनविलर फेशिया शुड बी इन द सैंपल हियर, जो कि लेबोरेटरी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम कोई बिनाइन डिजीज या फिर रेक्टल प्रोलेप्स करते हैं ना, तो हम जो डिनोनविलर्स फेशिया और फेशिया प्रोप्रिया और डिनोनविलर्स फेशिया के बीच में डायसेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैंसर के केस में हमने लाजमी डिनोनविलर्स फेशिया को सैंपल में डालना होता है, ठीक है ना, सैंपल में डालना होता है, ठीक है। तो ये जो थे, ये प्लेन्स थे, मैंने आपको क्या बताया भी, ये प्लेन्स फॉर सर्जरी फॉर कार्सिनोमा रेक्टम, ठीक है ना, प्लेन्स फॉर सर्जरी ऑफ कार्सिनोमा रेक्टम, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैं मीजोरेक्टम के बारे में बताऊंगा। देखिए, मीजोरेक्टम जिस तरह मीजोकोलोन नहीं होती, वैसे ही मीजोरेक्टम भी होती है रेक्टम के लिए, ठीक है ना। देखिए, अगर ये रेक्टम है हमारा, ठीक है ना, ये रेक्टम यहाँ से नीचे एनल कैनाल होगा ना, ये रेक्टम है, तो जो मीजोरेक्टम होती है वो रेक्टम के पोस्टीरियरली होती है, मोस्टली इट इज़ पोस्टीरियर टू द रेक्टम, और लेस थोड़ी सी होती है लेटरली, और एंटीरियरली ना के बराबर होती है। मीजोरेक्टम एंटीरियर टू द रेक्टम इट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट, ठीक है, ना के बराबर होती है, याद रखें, ना के बराबर होती है, क्या, मीजोरेक्टम एंटीरियरली, ठीक है। अच्छा, इस मीजोरेक्टम में ही लिम्फ नोड्स ऑफ द कैंसर होते हैं, याद रखें, ये लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है ना, याद रखें,
कि अगर तो अपर रेक्टम का कार्सिनोमा है तो हमने मीजोरेक्टम 5 सेंटीमीटर ऑफ द मीजोरेक्टम को हमने एक्साइज करना होता है, 5 सेंटीमीटर को एक्साइज करना होता है। अगर मिडल और लोअर रेक्टम का कार्सिनोमा है, मिडल और लोअर रेक्टम का, तो हमने टोटल मीजोरेक्टम को उठाना होता है, एक्सीजन का इस पूरी को हमने उठाना होता है अगर मिडल और लोअर रेक्टम का कार्सिनोमा हो तो, ठीक है ना। तो ये मीजोरेक्टम की सर्जिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। दिस इज सर्जिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मीजोरेक्टम, ठीक है ना। अब देखें कि थोड़ी सी हम क्या, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ द रेक्टम देखते हैं एंड एनल कैनाल, ठीक है ना। देखें थ्री इम्पोर्टेंट आर्टरीज हैं, थ्री यहाँ पे जो है थ्री इम्पोर्टेंट आर्टरीज हैं। कौन कौन सी हैं? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है ना। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, अच्छा, इन मिडल रेक्टल आर्टरी फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है और सप्लाई करती है, ठीक है ना। वेन्स की बात करें तो सुपीरियर रेक्टल वेन जो है वो ड्रेन करती है इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन में, और ये पोर्टर सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है ना। यानी कि अपर टू थर्ड्स ऑफ द रेक्टम जो है, अपर टू थर्ड्स ऑफ द रेक्टम को ये सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इन्फीरियर एंड मिडल जो रेक्टल वेन्स हैं ये इंटरनल इलियक वेन में जाते हैं और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है ना। याद रखें क्योंकि ये पोर्टर सर्कुलेशन में ड्रेन होती है तो मेट्स फ्रॉम द अपर टू थर्ड ऑफ द रेक्टम दे गो टू द लीवर, ठीक है ना। जबकि मेट्स फ्रॉम इन्फीरियर एंड मिडल जो लोअर रेक्टम है वहाँ से मेट्स कहाँ जाते हैं? थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन लंग्स में जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अब देखें नोड्स की बात करें, लिम्फ नोड्स की बात करें। लिम्फ नोड्स जो हैं, लिम्फ नोड्स आर, ठीक है ना, अपर टू थर्ड ऑफ द रेक्टम से जो लिम्फ नोड्स जाते हैं वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड्स या पैराओर्टिक नोड्स में जाते हैं, ठीक है। लोअर टू वन थर्ड जो है वो बचता है, तो लोअर वन थर्ड ऑफ द रेक्टम से, ठीक है ना, लोअर वन थर्ड ऑफ द रेक्टम से जो नोड्स जाते हैं, टू थर्ड वन थर्ड कर लो, ठीक है। लोअर वन थर्ड ऑफ द रेक्टम से दो डायरेक्शंस में लिम्फ जाता है, ठीक है। सिफेलिक यानी हेड की तरफ जो जाता है वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में जाता है, और इन्फीरियरली जो नोड्स जो लिम्फ नोड लिम्फ जाता है वो इंटरनल इलियक आई आई एंड इंटरनल इलियक नोड्स में जाता है। याद रखें बिलो द डेंटेड लाइन जो लिम्फ होता है वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जाएगा। इसीलिए जो एनल कार्सिनोमा है ना, एनल कार्सिनोमा, इट इज़ ऑलवेज एग्जामिन्ड फॉर इंटरनल, सॉरी, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आर ऑल्सो ऑलवेज एग्जामिन्ड इन केस ऑफ सस्पिशन ऑफ एनल कार्सिनोमा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब नर्व्स की बात करें, देखें नर्व्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सुपीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस और इन्फीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस। सुपीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस को हम पीप्री सेक्रल प्लेक्सस कहते हैं, याद रखें। दिस इज़ प्योरली सिंपथेटिक प्लेक्सस होता है, जबकि इन्फीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस होता है वो मिक्स्ड होता है, ठीक है ना। सिंपथेटिक भी होते हैं उसमें, पैरा सिंपथेटिक भी होते हैं, ठीक है ना। सुपीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस जो होता है ये होता है क्लोज रिलेशन में, किसके? इंटरनल इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के क्लोज रिलेशन में होता है। तो होता क्या है कि देखें, अगर हम शुरू में क्या करते थे, शुरू में ओल्ड स्कूल क्या थॉट था जो अभी नहीं है, ओल्ड स्कूल में हम हाई लाइगेशन करते थे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, ठीक है ना। हाई लाइगेशन करते थे तो उससे क्या होता था, हाई लाइगेशन से सुपीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस की इंजरी हो जाती थी, ठीक है ना। अब चूंकि ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है सुपीरियर हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस, तो ये इसकी इंजरी से फिर हमारे पास ऑप्शन पेशेंट्स आते थे रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन के साथ, ठीक
ठीक है ना, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। इसीलिए अब हम हाइलाइगेशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी नहीं करते, दिस इज ओल्ड स्कूल नाउ, ठीक है ना। तो टू अवॉइड दिस इंजरी तो हाइलाइगेशन हम नहीं करते, ठीक है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसकी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, ठीक है। तो हम क्या करते थे, व्हाट डिड वी डू, वी डिड डिस्टल लाइगेशन। अब हम डिस्टल लाइगेशन करते हैं इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, ठीक है ना, वेरी क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट कोलिक आर्टरी, जहाँ से लेफ्ट कोलिक आर्टरी निकलती है ना इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से, वहाँ हम क्या करते हैं, लाइगेशन करते हैं, किसकी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की, ठीक है ना। अब देखें सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो है ये इसमें, इससे नर्व निकलती है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है ना, याद रखें हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये देखें दोनों के दोनों ऐसे निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे, दो हाइपोगैस्ट्रिक, आप ड्यूरिंग सर्जरी आप बाकायदा देख सकते हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स को, ठीक है, ऐसे निकलती हैं, ऐसे ये सिम्पैथेटिक फाइबर्स लेके आती हैं, ठीक है ना। तो इनको हमने प्रिजर्व करना होता है, ठीक है ना, इनको प्रिजर्व करना होता है। अगर ये भी अगर आपने उड़ा दिए तो क्या हो सकता है, क्या कहते हैं इसको, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, RGE, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो एक तो ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस आप उड़ा सकते हैं, दूसरा आप ये उड़ा सकते हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स जो कि आती हैं यहाँ से इस तरह, दोनों के केस, तीनों के केस में, इस हाइपोगैस्ट्रिक के केस में भी, इस हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के केस में भी, और सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के केस में भी इंजरी हो तो क्या होता है, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो सकता है पेशेंट को, ठीक है ना। तो इसको आपने वो करना है, अवॉइड करना है इसकी इंजरी, ठीक है। अब इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो है इसको पेल्विक प्लेक्सस भी क्या कहते हैं, याद रखें। देखें मैंने क्या कहा, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को प्री सेक्रल प्लेक्सस भी कहते हैं, ठीक है ना, और इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को पेल्विक प्लेक्सस भी कहते हैं, ठीक है ना। देखें सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को क्या कहते हैं, प्री सेक्रल प्लेक्सस, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को क्या कहते हैं, पेल्विक प्लेक्सस, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट कभी कभी नाम से आते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। अब जो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है ना, जिसको पेल्विक प्लेक्सस भी बोलते हैं, इसमें सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्व्स होती हैं, ठीक है। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस प्योरली सिंपथेटिक था, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस सिंपथेटिक भी है, पैरासिंपथेटिक भी है इसमें, ठीक है। अब इसकी भी इंजरी हो सकती है, कैसे इंजरी हो सकती है, अगर आप डाइसेक्ट करें, ठीक है ना, डाइसेक्ट करें इन लोअर पार्ट फॉर एनी अवे, फार अवे फ्रॉम द रेक्टम, अगर आप रेक्टम से दूर दूर बैठ के, रेक्टम से खफा होके आप दूर दूर बैठ के डाइसेक्शन करेंगे, तो आपका इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस खतरे में होता है, इंजरी हो सकती है इसमें, ठीक है ना, यानी कि टूवर्ड्स द पेल्विक वॉल की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। इसीलिए आपने पेल्विक वॉल की तरफ नहीं जाना, अवे फ्रॉम द रेक्टम नहीं जाना, क्या करना है, टू अवॉइड इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस आपने वेरी क्लोज रहना है रेक्टम के, एस पॉसिबल एज यू कैन, ठीक है, और डू नॉट गो फार अवे, ठीक है, ये आपने काम करना है, क्लोज टू द रेक्टम रहेंगे तो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस इंजर नहीं होगा, लाइक दिस यू विल नॉट इंजर व्हाट, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो ये सर्जिकल एनाटॉमी थी, दिस इज सर्जिकल एनाटॉमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको आनी चाहिए अगर आप एक सर्जन हैं, ठीक है ना, तो ये आप ज़रूर जहन में रखें।